इसराइल का लेबनान में जमीनी ऑपरेशन का दाम उल्टा पड़ता नजर आ रहा है। हिजबुल्ला चीफ को मार गिराने के बाद से इजरायली बलों का हौसला सातवें आसमान पर पहुंच गया था। माना जाने लगा था कि अब लेबनानी प्रतिरोध कमजोर पड़ता जाएगा, साथ ही लेबनान से होने वाले इसराइल पर हमलों में भी गिरावट दर्ज होगी। इसी के मद्देनजर इजरायली सेना ने दक्षिण लेबनान में घुसकर बड़ा जमीनी ऑपरेशन शुरू कर दिया। हिजबुल्ला की कमर तोड़ने के लिए इजरायली सेना ने हिजबुल्ला के ठिकानों को तबाह करना शुरू किया। हालांकि शुरुआती सफलताओं के बाद अब इजरायल के बाद एक दांव गलत साबित होते दिखाई पड़ रहे हैं। दरअसल मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग के बीच इजरायली सेना पर लेबनानी लड़ाकों के हमले बढ़ गए हैं। हिजबुल्ला लेबनान के अलग अलग ठिकानों से इसराइल पर आग बरसा रहा है। उत्तरी इसराइल पर रोजाना भयंकर हमले करने वाले लड़ाके अब सेंट्रल इसराइल और राजधानी तेल अवीव तक को दहलाने लगे हैं। हाल में लड़ाकों ने इसराइल की जासूसी एजेंसी मोसाद के मुख्यालय के पास एक इसराइली बेस पर रॉकेटों से हमला किया। वहीं दक्षिणी लेबनान में दाखिल हुई इजरायली सेना पर भी लड़ाके घात लगाकर हमला कर रहे हैं। ताजा आंकड़ों की माने तो अब तक 25 से ज्यादा हाई रैंक वाले अधिकारियों और सैनिकों की मौत हुई है, जबकि 130 से ज्यादा जवान घायल भी हुए हैं। इन्हीं हमलों के बीच अचानक से अमेरिकी सेंट्रल कमांड के कमांडर जनरल माइकल कुरिल्ला ने इसराइल पहुंचे, जहां उन्होंने इसराइल के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ और बाकी कमांडरों के साथ मौजूदा हालात पर बात की। अमेरिकी कमांडर का इसराइल दौरा इसराइली सुरक्षा के मुद्दों से जुड़ा बताया गया। इसमें ईरान और उत्तरी मोर्चा यानी लेबनान पर खासा जोर दिया गया। इसके अलावा इसराइल और अमेरिका के बीच क्षेत्रीय स्थिरता और सेनाओं के बीच तालमेल को मजबूत करने पर जोर दिया गया। माना जा रहा है कि इजरायली सेना ने लेबनान में अपने ऑपरेशन को शुरू करने में जल्दबाजी दिखाई, जिसके चलते इजरायली सेना को शुरुआती फेज में ही बड़े झटके लगने शुरू हो गए हैं। यही वजह है कि इजरायल अपने लेबनान ऑपरेशन को सफल बनाने के लिए अमेरिका का सहारा लेने को मजबूर हो रहा है। लिहाजा अमेरिकी कमांडर ऐसे नाजुक वक्त पर इसराइल पहुंचे हैं, जब इजरायली सेना लगातार लेबनान में जंग का बिगुल बजाकर पिछड़ती आ रही है। दक्षिणी लेबनान के कई इलाकों से हिजबुल्ला ने इजरायली बलों को पीछे खदेड़ दिया है। इतना ही नहीं, हिजबुल्ला ने कई इलाकों से इजरायली सेना को पीछे हटने के लिए भी मजबूर किया है। गौरतलब है कि इसराइल मिडिल ईस्ट में सात मोर्चों पर एक साथ जंग लड़ रहा है। ईरान समर्थित तो उसके प्रॉक्सी गुट लगातार इसराइल को जंग में उलझा रहे हैं। डिफेंस एक्सपर्ट की माने तो इसराइल को कूटनीतिक स्तर पर बड़ी बढ़त तो मिली है, मगर मिडिल ईस्ट के मौजूदा हालात में कोई खास सफलता नहीं मिल पाई। इसराइल लगातार प्रॉक्सी गुटों के जाल में फंसता जा रहा है। पिछले इसराइल और हिजबुल्ला के बीच जंगों को देखा जाए तो हिजबुल्ला के पीछे हटने की संभावना काफी कम ही है। लेबनान में इसराइल की बमबारी से भारी तबाही देखी गई है। हालांकि गाजा की तरह अभी लेबनान पूरी तरह बर्बाद नहीं हुआ है। ऐसे में ये देखना काफी अहम रहेगा कि इजराइल लेबनान को गाजा समझकर कोई बड़ी भूल तो नहीं कर रहा।